थाना डमटाल के लोधवा के पास चक्की दरिया में एक तैरते शव से सनसनी फैल गई। थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव बाहर निकालकर साक्ष्य जुटाए गए। जांच पड़ताल के बाद मृतक की पहचान पठानकोट के छतवाल से 49 वर्षीय स्वर्ण सिंह के रूप में हुई है। वह 2 मई से लापता था और शराब का भी आदि था। थाना प्रभारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इस शख्स की मौत डूबने से हुई है। नगर पंचायत दौलतपुर चौक में सोमवार को बाजार खुलते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गई। बढ़ती भीड़ देखकर नगर पंचायत सचिव सतीश ठाकुर और जय प्रमोद सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सभी दुकानों में जाकर जिलाधीश ऊना द्वारा बताए गए नियमों का पाठ पढ़ाया। उधर व्यापार मंडल के प्रधान राजीव राजू ने आग्रह किया कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और नियमों का पालन करें। नमस्कार, सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि आप सभी अपनी अपनी दुकानों के आगे ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हर दुकानदार आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करे। ग्लव्स व मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, वो पहन के ही आए तथा दुकान के बाहर सामान ना रखें। आज नगर पंचायत दौलतपुर चौक के सारे बाजार का हमने निरीक्षण किया है। जैसे कि जिलाधीश महोदय द्वारा जो हमें पिछले कल जन निर्देश दिए गए थे, उसके मुताबिक हमने सारा जो है बाजार दुकान दुकान जाकर लोगों को आह्वान भी किया है कि सर दुकान के बाहर अपने एक सैनिटाइजर रखें, उसके बाद कस्टमर का जो है उसके साथ हाथ उसका जो है साफ करवाएं और साथ में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया ध्यान रखें। और अगर ऐसे नहीं करने पर जिलाधीश महोदय द्वारा जो हमें आदेश दिए गए हैं कि दुकान को हमें लॉक लगा देंगे और उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन में छूट के बाद सोमवार को पद्दर बाजार में पूरे 42 दिन बाद रौनक लौटी। इसी बीच सभी प्रकार की दुकानें खुलने से बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचे। पद्दर चौक, शिव मंदिर रोड, कटिबरी मोड़, SBI और अस्पताल चौक व बस स्टैंड में भीड़ देखी गई। उधर आवाजाही बढ़ने पर SDM पद्दर शिवमोहन सैनी ने मोर्चा संभाला और सोशल डिस्टेंसिंग करवाई। उधर DSP मदन कांत शर्मा पद्दर ने बिना काम के बाजार गाड़ी लेकर पहुँचे लोगों पर शिकंजा कसा। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय DAV पब्लिक स्कूल नगरोटा सूर्या। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू को लेकर पालमपुर पुलिस हर वक्त अलर्ट है। DSP पालमपुर अमित शर्मा ने बताया कि इस दौरान लोगों का काफी सहयोग रहा। हालांकि कुछ लोग बार बार नियम तोड़ रहे थे, लेकिन उनसे सख्ती से निपटा गया। इस दौरान पुलिस ने लगभग 200 वाहनों को जब्त किया है, जबकि 30 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। सबसे पहले मैं पालमपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों से हमें बहुत ज्यादा बढ़िया सेल्फ कंप्लायंस मिली। बहुत सारे लोगों ने खुद ही नियमों का पालन किया और हमारी मदद भी करी। कई लोगों को जिन्होंने कंप्लायंस नहीं करी, उनको हमने शुरुआत करी वार्निंग देकर, फिर वार्निंग देकर उनको घर भेजा जाता था। कई लोगों को हम लोगों ने वाहन थाने तक भी लेके गए और उसके बाद वार्न करके कुछ टाइम के बाद छोड़ा गया। लेकिन जो रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, जो बार बार नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, फिर हमने उनके वाहन जब्त करने शुरू किए। इसमें हमने तकरीबन 200 से अधिक जो वाहन हैं वो पालमपुर सब डिविजन में इस दौरान लॉकडाउन के जब्त किए गए। और इसके अलावा 30 से अधिक FIR ऑफेंडर्स के खिलाफ दर्ज भी की। कुल्लू में सोमवार को बाजार खुले तो कारोबारियों और उपभोक्ताओं के चेहरों की रौनक लौट आई। कपड़े जूते सहित जनरल स्टोर करीब 1.5 माह के बाद खुले। वहीं उपभोक्ता भी सभी सुविधाएं मिलने से खुश दिखाई दिए हैं। प्रशासन ने जिला में 10 बजे से 3 बजे तक कारोबार में छूट दी है। छूट के साथ सरकार ने निर्देश भी दिए हैं और सामाजिक दूरी नियमों की पालना करने को कहा है। वहीं इस दौरान भुंतर में पुलिस के जवान दुकानों का जायजा भी लेते रहे। उधर कारोबारियों ने छूट के समय को बदलने की भी मांग की है। उन्होंने इसे 10 से 3 के बजाय 9 से 2 बजे तक करने की गुहार लगाई है। आज बहुत दिनों के बाद बाजार खुला है, इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। जो भी ग्राहक आ रहे हैं डिस्टेंस में चले हुए हैं और ऐसे ही चलना चाहिए। और बाजार सुबह 9 से 2 खुलना चाहिए, क्योंकि लोग सब्जी मंडी आते हैं, इस करके बाजार 9 से 2 ही खुलना चाहिए, 10 से 3 नहीं। नमस्कार, मैं राजू जम्वाल। आज बहुत दिनों के बाद मार्केट खुली, 91 दिन।
सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो 40 दिन भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कुल्लू प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, जनता ने भी पूरा सहयोग दिया, पुलिस वालों का भी पूरा सहयोग लिया, उनको भी सलाम, कुल्लू प्रशासन का भी धन्यवाद जो उन्होंने पूरा 40 दिन बहुत अच्छे तरीके से काम किया।